बच्चों, हाय। हेलो। अच्छा, हमने देखा कि शैडो साया किस तरह से बनता है ना। और हमने ये भी देखा कि जो चीज जैसे हमने सांप का देखा कि वो सांप था नहीं लेकिन हमको दिखाई दे रहा था, है ना। तो ये हमारा क्या था, एक वैश्विक था। तो इस तरह की कई सारी बातें हमारे आसपास सुनने को मिलती है। जैसे तुम लोगों को भी टोकते होंगे कि रात में नाखून मत काटो, रात में बाल मत खोलो, और क्या क्या बोलते हैं हमारे घर में, ऐसे रात में ऐनक में नहीं देखना। ओके, वेरी नाइस, बहुत अच्छे बाल नहीं बनाने का, बहुत अच्छा। रात में बाल भी नहीं झाड़ना, घर भी नहीं झाड़ना, है ना। और रात में नहाने का भी नहीं। और क्या सुनते होंगे, और कि अगर रास्ते में से जाते जाते बिल्ली रास्ता काट जाए तो नहीं जाने का, पानी बिल्ली जो रास्ता काटती है वो रास्ते से नहीं जाने, ये रास्ते से नहीं जाने का, है ना। ऐसी सारी बहुत सारी सी बातें तुमने सुनी होगी, सुनी होगी ना। हाँ। और क्या सुना है इसके अलावा तुम लोगों, तुम्हारे घर में क्या और बोलता है तुमको? ये तो अच्छी बात है ना, जानने की और जाने की। लेकिन ऐसी चीजें जैसे बोलते हैं कि रात में नाखून नहीं काटना चाहिए, रात में बाल नहीं बनाना चाहिए, घर में आने के बाद चप्पल उल्टी नहीं रखनी चाहिए, बिल्ली रास्ता काटी तो उस रास्ते से नहीं जाना चाहिए, है ना। और क्या बोलते हैं, तो टूटे हुए शीशे में नहीं देखना चाहिए। तो ये जो सारी बातें है ना, ये सारी बातें इसको कहते हैं वहम। हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सारी चीजें हमारे जहन की वहम होती है। इस चक्कर में हम क्या करते हैं, खुद भी परेशान होते हैं और दूसरों को परेशान करते हैं, है ना। हाँ, तो ऐसा होता है कि हमने भी देखा साया की वजह से, तो ऐसा हमारा खुद का ही साया होता है रात में। जैसे सब तरफ अंधेरा होता है ना, तो हमारा साया ही हमको ऐसा लगता है कि पीछे कोई तो भी है। वो वॉशरूम को जाते तो आईना रहता सामने, हाँ, तो नहीं देखना चाहिए ऐसे। ये जो बातें है ना कि हमको नहीं करनी चाहिए, ये सारी बातें इसके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन है। और पहले के जो लोग कहते थे उसके पीछे अलग वजूहत है, जैसे कि है रात में नाखून नहीं काटना चाहिए। पहले जमाने में लाइट थी क्या? नहीं लाइट थी, तो फिर अगर रात में अंधेरे में हम नाखून काटे तो हो सकता था ना कि हमारा हाथ कट जाए। इसलिए कहते थे कि पहले रात में नाखून नहीं काटना चाहिए, रात में कंघी भी इसलिए नहीं करना कहते थे कि अगर रात में अंधेरा होता था पहले, अगर बाल खोले, बाल कहीं गिर जाए, किसी के मुंह में आ जाए, खाने में आ जाए, तो अच्छा नहीं लगता ना। इसलिए कहते थे कि रात में बाल नहीं कटवाने चाहिए। अब जो टूटे हुए शीशे में देखने की बात है, हम ये समझते हैं अगर टूटे हुए शीशे का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि हमें चोट लग जाए, है कि नहीं। तो इस सारी बातों के पीछे क्या है, कोई ना कोई वजह है। तो लोग क्या करते हैं, उस वजह को नहीं देखते हैं, लोग उसको एक वहम बना लेते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। बोलते हैं ना कि रास्ते में अगर जा रहे पीछे से कोई टोकना नहीं टोके तो काम बिगड़ जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब क्या है, पुराने जमाने से चलते हुए रीति रिवाज है। बोलते हैं कि रास्ते में अगर छींक आ जाए दरवाजे में निकलते हैं तो घर वापस आ जाए, बाहर ना जाए। क्यों? अब देखो सीधी सी बात है, अभी घर है हमारा, घर का जो एटमोसफेयर होता है, जो टेम्परेचर होता है, थोड़ा सा गर्म होता है। जैसे ही हम बाहर आए बाहर की हवा लगती है, हवा से क्या होता है फिर हमें छींक आ सकती है ना, ठंडी गर्म हवा की वजह से, तो उस वजह से छींक आती है। तो इस तरह से अगर कोई आपको बोले कि बाहर नहीं जाना चाहिए, अगर जाते हो छींक आ जानी चाहिए, तो उनको बताना चाहिए कि उसके पीछे ऐसा रीजन है, इस वजह से छींक आती है। या फिर जो पहले बोलते थे कि ये काम नहीं करना चाहिए, तो पहले लाइट नहीं रहने की वजह से या फिर दूसरे वजह की वजह से बोलते थे कि काम नहीं करना चाहिए, लेकिन इन बातों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सब क्या है, एक वहम है। अब हम क्या है, बच्चे हैं, नए बच्चे हैं, हम नए जनरेशन हैं, आगे आगे नई चीज़ें सीख रहे हैं, तो तुम लोगों को इन सारी बातों का ख्याल रखना चाहिए। और दूसरों को भी बिल्कुल भी ऐसी बातें पास नहीं करनी चाहिए कि हमको हमारी दादी ने बताया, तुम जाके तुम्हारी सहेली को बता रही, वो उसकी सहेली को बता रही, है ना। तो बिल्कुल भी इस तरह से हमको ये आगे नहीं बढ़ाना है, हमको वहीं पे, हाँ, अफवाह नहीं फैलाना है, बहुत अच्छे, हमको वहीं पे क्या करना है, उसको खत्म करना है, और हमको खुद भी उस पर अमल नहीं करना। आया समझ में? ठीक है, बहुत अच्छे, अब तुम याद रखोगे ना ये बातें, ठीक है, करोगे इस पे अमल, प्रॉमिस? यस, वेरी नाइस, ठीक है, चलो शुक्रिया।